कोटला से दिल्ली बस सेवा जो कि पिछले 3 सालों से बंद पड़ी थी आज शुक्रवार को फिर से शुरू हुई है। इस बस को हारचकिया में शाहपुर विधायक केवल पठानिया ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस बस सेवा के दोबारा से शुरू हो जाने पर जवाली उपमंडल के कोटला सहित चंगर क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बस सेवा के बंद रहने से कोटला क्षेत्र, चंगर क्षेत्र व चंबा क्षेत्र की लगभग 30 पंचायतों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस बस सेवा का लाभ चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र की 2 पंचायतों, जवाली उपमंडल की 16 पंचायतें, शाहपुर की 5, कांगड़ा की 6 पंचायतों को मिलेगा। ये बस कोटला से 32 मील लंज रानीताल होते हुए शाम को चलेगी। गौरतलब है कि कोटला क्षेत्र से बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों युवा निजी क्षेत्र में रोजगार करते हैं। इनके अलावा पीजीआई चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी आदि में छात्र और कारोबारियों के अलावा दिल्ली में आने जाने वाले लोगों को नूरपुर या अन्य स्थानों पर बस पकड़ने के लिए टैक्सियों में भारी भरकम किराया देना पड़ रहा था। वहीं चंगर क्षेत्र की पंचायत मनई व लंज में बस सेवा बहाल होने पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विधायक का लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साथ ही ढोल की थाप पर निगम सेवा को बहाल करने पर खुशी का इजहार किया। साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जवाली के विधायक एवं कृषि मंत्री चंद्र कुमार, शाहपुर विधानसभा के विधायक केवल सिंह पठानिया का आभार व्यक्त किया। हिमाचल बस न्यूज़ के लिए जवाली से राजेश कौरल की रिपोर्ट।